नमस्कार प्रणाम। मैं गायिका उजाला यादव यूपी आजमगढ़ के धरती से बाबा। आप लोगन के बीच में ऐसा बिरहा सुनावे चलतमनी, दिल से अगर आप लोग बिरहा को सुनेंगे ना तो आंख से आंसू आ जाएगा। बड़ी दर्दीली कहानी है मास्टर साहब, भूमिका का लाइन बा कहना बाका। हिल गई मैं दनी आसुले आसुमा, दर्द सागर के सीने में होने लगी, मीठे पानी में भी ज्वार उठने लगा, आज रजनी भी धीरज को खोने लगी, चह के भला कैसे बुलबुल चमन में पागवा पे रहम जब बना है शिकारी, महफूज कैसे रहेगा कोई जब अपना चलाए जिगर में कटारी। भगवान का दिहल दुख रहेला ना इंसान सहेलेला, अगर इंसान इंसान के दुख देला तो मरले पर ही भुलाला। ए बाबू जब ले जिंदगी जी इंसान तक तक वो दर्द के भुलाए ना सकेला। यही से आप लोगन से हाथ जोड़ के हम यह कहा बाबू, इंसान हो करके एक इंसान को आप लोग मत सताइए, बहुत पाप होगा। कवि जी एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लिखत हुआ मास्टर साहब, अरे अजब रंग दुनिया अजब जिंदगी है, जब कश्ती भंवर में किनारा क्या होगा, जो डराना खुदा से हमारा क्या होगा। आज के बाबू कुछ इंसान जानवर से भी बेकार हो गए हों, अगर एक बार जानवर के टांट दिहल जाई तो शायद दोबारा दुआरे आवई में उटेरा जाई, लेकिन इंसान के बार बार सुधारे के कोशिश कही जाई, लेकिन कुछ ऐसा इंसान हुए जो अपने गलती की कबो जिंदगी में एहसास ना करे ना कि हम गलत बने। यही से मास्टर साहब हमारे कहानी का शुरुआत बा। लखनऊ में जहां नवाब का घराना है,
लखनऊ के रहे वाला चंद्रमा यादव जी, जेकर शादी एक चंपा नाम के लड़की से भयल। शादी के साल भर बीतल बाए बाबू, भगवान गोद में एगो लड़िका दहलन, जो ने लड़िका का नाम बड़ा प्यार दुलार से चंपा राहुल रखत है। परिवार बड़ा प्रसन्न बा, धीरे धीरे समय बीतल बा, राहुल बचवा 5 बरिस का भयल हुआ ये भैया। तबले वो दुनिया का मालिक विधना नाराज हो गई। चंपा रोय के अपने पति से कहत गही, मास्टर साहब गीत लगल बा। गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दा देवी मैया। बेचारी चंपा रोई के अपने पति चंद्रमा का हाथ ऐसे अपने हाथ में पकड़ ली और रोई के कहत का ही, मास्टर साहब जिंदगी कनाई के ठिकान हो, जिंदगी कनाई के ठिकान हो, दूसर जान लई हालू गई। चंपा बेचारी टीबी का मरीज है, रोग उनके जीत लहले बा, अब उम्मीद अपन छोड़ चुकल है। बड़ी दवाई भइल लेकिन कौनो दवाई बेचारी चंपा के आराम ना कैलस, एकदम सुखाई के लकड़ी जैसन हो गई। अपने पति से कहली कि देखा राहुल का पापा, हमरे जिंदगी का भरोसा ना बा, जब नहीं दुनिया छोड़ के हम चल बसी, लेकिन हमरा मुवला के बाद एगो काम जरूर करिया, हमरे बेटा पर विशेष ध्यान दिया, हमरे बेटा के पढ़ा लिखा के कोनो बढ़िया जगह स्थान दिवा दिया, हमरे लाल के खरीले पेले में कोनो कमी ना हो, लेकिन हाँ राहुल का पापा हमरा मुवला के बाद हर कष्ट उठा लिया राहुल के पापा, लेकिन बचवा का मुँह देखिया दूसर ब्याह मत करिया। यह कहत रही है बाबू, यह कहत कहत में इस शरीर से लाश छपटिया के रह गए चंद्रमा, लाश के ले जाके बाबू अंतिम संस्कार। लेकिन धीरे धीरे समय बीतल, जब काम क्रिया हो गई तो टोला परोसा नात हित सब लोग एक के बात कहल, चंद्रमा भी तोहर बहुत उम्र बा, ई बतावा कौन ऐसे रह पाए अकेले, तोहर छोट लड़का 5 बरिस का है, पता नहीं कहाँ जाई, का खाई, का पी, क्यों देख रेख करे वाला ना बा, बराबर तू तो घरे लेके लड़का के बैठवा ना। ऑल दैट आफ्टरनून पॉलिनेशिया के डॉक्टर ने ब्याह कर लोगन के कहले पर बाबू चंद्रमा करत का हुआ, मास्टर साहब गीत बदल गए। तर नरिया रवा जबारी, अरे तर नरिया
उड़ली चेता के चिड़ैया, अरे उड़ली चेता के चिड़ैया, समैया का सुमिला सोचे लगलन शादी के बारे में सोचत हुवन कि सही है लोग कहत बा जिंदगी बहुत बड़ी बा अब पांचे बरिस का हमार बेटा राहुल बा अगर हम कहीं बहरे कमाए चल जाब तो हमरे बेटा के देखी अगर कहीं केहू के भरोसे छोड़ दे जे हमरे बेटवा का पालन पोषण करी आज ना दस दिन के बाद उत्थाना मारी तो लोग सही है कहत बा बियाह कैले तब ठीक रही लोगन के बात मान के बाबू चंद्रमा शादी करत कैसे हुआ मास्टर साहब हरे
समय समय जेके चाहे अपने अंगुरी पर नचाए दे, सबकर बात सुन के अपने पत्नी चंपा का बात बाबू चंद्रमा भुलाई गईलन। एक वंदना नाम के लड़की से अपन दूसरी शादी कैल हलन। जब दुल्हन बन के वंदना घर में आईली, चंद्रमा सुहाग रात में अपने दुल्हन वंदना से वो बात कहलन, कहले कि देखा बड़े पार, पार। हमार पहल की पत्नी हमसे कही के गई कि हमरा मुवला के बाद दूसर ब्याह मत करिया, लेकिन अपने पत्नी का बात ना मन ली। लोगन का बात सुन के हम ब्याह तो से कर, लेकिन एक बात तो से जरूर कहबे, एक ही अपने टोंगे गठिया लिया, एक बात के अपने दिल में बसा लिया। हमारी 5 साल का बेटा राहुल बा, बड़ा छोटा बा, नदान बा, कोनो गलती भी कह सकेला, सही भी कुछ कह सकेला, बच्चा बा, देखा कबो अपने हाथ से मरिया, भर पेट भोजन दिया, मान सम्मान हमरे लाल का तू जरूर करिया। बस अपने बेटा बदे शादी कैली, हमके दुबारी दे लिया, हमके 10 बात बोल लिया, लेकिन हमरे बेटा के कबो कुछ मत कहिया। बड़ी समझदार वंदना सुहाग वाली रात में अपने पति से कसम खाती और कहती है क्या, अरे मोरे राम सजाइब घर आंगन के सजना, बिहसत बाग में नाही अगिया कबो लगाइब, अरे लगाइब, अरे लगाइब। वंदना कहली पति दे, मैं भी समझ सकती हूँ कि एक माँ का फर्ज क्या होता है, अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हमसे शादी किए हैं आप, तो ये समझ लीजिए कि उस बच्चे की माँ मरी नहीं है, मैं ही हूँ। मैं कसम आपकी खाती हूँ, कभी भी जिंदगी में एक तमाचा अपने हाथ से इस बच्चे को नहीं मारूंगा। मैं यही हमेशा समझूंगी कि मेरे ही तन से ये बेटा पैदा हुआ है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। बाबू हो समय बीतल बा, धीरे धीरे समय बीतल बा, रे दुनिया के मालिक भयल का मास्टर साहब एक लाइन गीत बड़ी प्यारी लगल बा हो, मोर बलमुआ हो रास रास बेनिया डोलाता, भाव पर गौर करी मास्टर साहब, कहना है क्या, बम्बई कमाया गईला, बम्बई कमाया गईला, चंद्रमा जवाना वही माया नवा तो देखा लीला, 9 महीना एक बेटा पैदा भेल वंदना के, परिवार में बड़ी खुशी बा,
चंदना बड़ी खुश बाड़ी खेरे हमरे भगवान दू गो बेटा दे दलन। पहला वाला बेटा जो चंपा का था राहुल नाम था। अब वंदना सोचे थे कि हम अपने बेटा का नाम रोहित रखूं। राहुल और रोहित बुलावे में हमके बड़ा बढ़िया लगे। समय बीतल बे भैया, 4-6 महीना बीतल। अब चंद्रमा वापस अपने ड्यूटी पर कमाए बदे मुंबई शहर में पहुंचल हो। लेकिन यहाँ देखा कहल जला कि हर गाँव में घर फोरना घर फोरनी रही। जकरे घरे में कबो झगड़ा ना भइल रही, अगर वो घर फोरना हो चाहे घर फोरनी हो, एक दिन अगर ओकरे घर में चल जाई बाबू तो बनल गृहस्थी क्षण भर में उजार दे। हर गांव में कोनो न कोनो औरत ऐसन जरूर होली। एक बुढ़िया गांव का बड़ी चुगली रहल हरामी टाइप रहल। आइल वंदना से कलस की करे दुलहनिया ई बताओ सु घर इतना बढ़िया तोर बेटा रोहित अरे बहु रही तो पागल है रे, तो दूसरे के लड़का का पालन पोषण करत है। अरे सुन भी जौने दिन हिस्सा बटे लगी ना आधा हिस्सा हाई बटवा ले रहुला हाई तो हर बेटवा का करी पागल है हूँ दूसरे के बेटवा का तू सेवा सत्कार करत है। अगर ये ना रहत ना सारा हक हिस्सा तोहरे बेटा रोहित कही रहा झूठा का तू सेवा सत्कार करत हूँ। इतना कही के बाबू आग लगाई के बुढ़िया चल गई। वंदना के मन में नफरत का बीज बोवाई गई। रातों दिनवा ही है बतिया सोचे ये भैया का सोचे मास्टर साहब। अरे मैं भमतारी आका पदलनी अतिया तब पिनिया नु हो करे मन में विचार भैया रोहित के देलो यतना दुलारावा बेट भर देलो नहीं हम के यहाँ रवा परिवार में बो के चल गई बुढ़िया। भैया हो अभी वंदना राहुल से नफरत करे शुरू कर दलस। राहुल के सतावे लगल टाइम से ना खाना दे ना बढ़िया से सुते के दे पढ़ाई लिखाई बंद करवा दलस। राहुल के लगल भैया हो इस सतावे वंदना आ जब सतावे लगल तो राहुल बड़ा परेशान भइल। एक दिन चाय के कहे की मम्मी तू भैया के बहुत मानेलू हमके ना टाइम से खाना देलू ना हमके स्कूले जाए देलू हमके मारेलू पीटेलू ना हमके बढ़िया कपड़ा देलू। मम्मी पापा आइया ना तो हम सब बात पापा से बताई। ये बतिया जब सुनलस वंदना बाबू ओकरे शरीरिया में यहाँ कहलस एक तो तितऊ लौकी आ दूसरे चढ़े नीम की डार ढेर बनत बा बढ़ बढ़ के बोलत बा। ए भैया अब देखा कहल जला कि तिरिया का चरित्र कब बदल जाई एके भगवानों ना बताए पई है। अब वंदना का रूप रंग राहुल के प्रति बिल्कुल बदल चुकल बा। करत का बा ए भैया यतना सुनाता पापिन मैं भामा तारिया हो मैं भामा तारिया हो मारा बेला रवा के माजी
जवने सुगा नाला के बोधना ही कुछ होगा, बोधना ही कुछ होगा, घर वास्ते दे आलमी सारती। ए भैया आज गुस्सा में लाल बा मार पीट के राहुल के बिना खैले सुता देले बा। कई देखलस कि राहुल बिस्तरा में सुसुक सुसुक के बाबू रोवत हवे। पपिनिया गई बिस्तरा खींच ललस, गरम पानी कई के राहुल के ऊपर गिरा दलस। गर्मी का महीना भैया हो, शरीर से जाम निकल गया, ले के बेलना अलगल राहुल के पपिनिया मारे, मार के कालस की दोगला कुत्ता कालस पपिनिया कि आज के दिन से घर मत आना, इस परिवार में चेहरा मत दिखाना, नहीं तो तू अगर लौट कर आ जाएगा ना तो इसको समझ ले तू जहर खिला के पार डालूंगी, इसी घर में दफना दूंगी। चल जा मेरे आपके सामने से खींच के लाद चलो उलस बाबू। राहुल कई ढलमिलिया दुआरे खाए गई लग, घर से बाबू हो शरीर जरत बा, गरम पानी पपिनिया छिरकले बा, बर्दाश्त होत ना बा, छपटियात रोवत राहुल पहुंचल कहाँ हुए ये मास्टर साहब। शरीर पे बच्चा के गरम पानी फेंकले बा। ए भैया राहुल ट्रेन में बैठलन, सोचले कि चलो पापा से जाए के सारी बात बता दे, लेकिन बच्चे का बुद्धि ना कहाँ तक जा सकल, कुछ पता ही ना बा, खाली ट्रेन में लड़का बैठ गई। बगल में एक हैंडसम आदमी हीरा लाल सेठ बैठल, उनके मन में एक विचार आया, ये छोटा बच्चा है रो रहा है, इसके पीठ का चाम जल गया है और ताजी चोट है, कुछ दवा भी नहीं लगाया है। देखा इंसानियत, आज भी कहल जला भैया की धरती पर इंसानियत बा। हीरा लाल सेठ उस बच्चों को बुला लेते, बेटा आओ इधर, इधर आओ। कापत का शरीर राहुल ऐलन खड़ा हो गई। सेठ जी पूछ ले क्या नाम है बेटा, कहे हमार नाम राहुल बा। कहाँ जा रहे हो, अपने पापा के पास जा रहा है, क्या हुआ पीठ पर कैसे चोट लगी है। मत पूछिए चाचा, हमार मम्मी मर गई, पापा दूसर ब्याह कैलन। मिथ्या इन मराठी। मम्मी जब ले मम्मी के कोनो बच्चा ना रहल तब ले मम्मी हमके मनली, मम्मी के वो बेटा पैदा हो गया, तब से मम्मी हमके देख के जरैली, हमसे नफरत करैली, हमरे ऊपर गरम पानी फेंक डाली। चाचा बहुत पिरात बा चाचा। बाबू मिश्या सेठ बड़े आदमी है, लोग कहते हैं बड़े आदमी किसी के नहीं होते, लेकिन नहीं ये कहावत गलत है, बड़े आदमी का दिल भी बहुत बड़ा होता है। हीरालाल सेठ के आंख से आंसू आ गया, सोचने लगे कि अगर इस बच्चे को मैं इसके घर वापस पहुंचा देता हूं तो इसकी मैभा माई है, वो मैभा मदारी इसके दर्द को नहीं समझ पाएगी, शायद इसको जान से मार डालेगी, और ये बच्चा अपने पापा का पता भी नहीं बता रहा है। इस बच्चे को हम यहाँ रास्ते में कैसे छोड़ सकते हैं। सेठ जी को दर्द आया बाबू, और राहुल के कोई स्थिति में ले करके हॉस्पिटल जाते हैं, दवा करवाते हैं, दवा करवाते हैं, उस बच्चे राहुल को आराम हुआ, ले करके अपने घर चले गए। बड़े ताजुब की बात तो ये है, जो हीरा लाल सेठ राहुल को अपने घर ले गए ना, भगवान और नहु के कोनो औलाद ना, निसंतान रहलन बाबू हीरा लाल सेठ जी।
ले जाके राहुल के पढ़ावत लिखावत हुआ, विशेष ध्यान राहुल पर देत हुए हीरालाल सेठ। यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, अब तनी से दिमकवा आप लोग ले चला मुंबई, जहाँ राहुल का पिता नौकरी करत हुआ, वहाँ का होत मास्टर साहब। हेलो सर, मोटोरोला H50 नियो, ब्यूटीफुल डिजाइन सर। अरे पिता के मन में उठे यशगुण का हीलो रावा ही रावा गोदी के, आइना घर पर ना लौके दुलारावा ही रावा गोदी के। चंद्रमा सुचलन की बेटा से बात ना करावत बा, हमके लगत बा दाल में कुछ काला बा। पिता ना बाबू, चंद्रमा जी टिकट कटौले मुंबई से आई गईले घरे। जब घरवा आईले तो अपने दुल्हिन वंदना से पूछले कि वंदना बेटा कहाँ बा। रोज बात करे कातरलू तो कालू दोस्त के घरे बा, तो दुआरे खेलत बा, तो पढ़ाई करत बा, डिस्टर्ब मत करी। बेटा राहुल कहाँ बा, कलस का बताई पति देव तो के का बताई पति देव, मनबर तोहर लइका हो गया। उस दिन ठीक ठाक रहल, चल गल अकेले मेला देखे, हमार बतिया ना मानी तो हम करब, गयल अकेले मेला देखे, आज तक लवट के ना आयल। चंद्रमा कहलो कि अरे साली शर्म नहीं आ रही है, कितना दिन हुआ मेरा बेटा मेला देखने के लिए गया और वापस नहीं आया, क्या तुम मुझसे बता नहीं सकती थी। कल सरे पति देव, हम सोचली कि आप डिस्टर्ब हो जाई बा। बाह चंद्रमा खींच के छोटा बाबू ध्यान जांच है, कल मैं समाज का सबसे गंदा पिता हूँ। मेरी पत्नी मरते वक्त कह कर गई थी कि शादी दूसरी मत करना, मैं भामदारी किसी की होती नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं लोगों की बातों में आकर के मैंने तुमसे पापी शादी करके आज पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरा बेटा नहीं है तो मेरा दुनिया में कुछ नहीं है। ले ले तू सारा घर द्वार सब कुछ, तू देख मेरे बस की बात नहीं है कि इस परिवार में मैं अपने बिना बेटे का रह सकता हूँ। चंद्रमा बाबू वही दिने अपने घर द्वार के त्याग दलन, घर से निकल गई अपने बेटा राहुल के खोजे बदे। अयहर धीरे धीरे समय बीतल भैया, घर में ना रुपया
बा, अब दिक्कत पढ़ल चल जात बा, अभी करे का पपिनिया सोचलस कि अब करी का, चल के कहीं कुछ समही नौकरी करी, नहीं तो बेटा हमार कही बा, अपने रोहित बेटा बदे घर से ही पपिनिया बंदना निकल गईल, सोचलस कि कहीं जाब अगर केहू का झाड़ू पोछा करब नहीं कोनो होटले पे लग जाब तब वो 10 रुपया कमा ले तो हम माई बेटा आराम से अपन जिंदगी बिता लेबे। घर से बाबू की पपिनिया बंदना भी निकल गई, आज हम निकलल तो भयल का मास्टर साहब अरे धान के अभाव में हो गायली बवरिया बाबू तू हो आईली बारेली के बजाओ रोहित के लेकर के वंदना घर से निकल गई, जाते जाते पहुंच गई बरेली शहर में। अन्हार हो गल, रात होके लगल, सोचल सब जाई कहां, आज का रात तक कहीं ना कहीं हमके बितावे के पड़ी। ए भैया, स्टेशन के ठीक बगल में कुछ किन्नर समाज के लोग रहते थे। बाबा जब ही गई पपिनिया तो देखलस कि तमाम औरतें हैं, समझ ना पौलस तो जाए के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कल से बहिनी लोगन आज का रात हमके यही जा रख ले तू लोगन, हम बहुत विपत का मारल हिला, काम खोजे बदे घर से निकलल हिला, कल काम खोज ले हम कल यहाँ से आप लोगन के यहाँ से चल जाई, खाली आज रात भर हमके यहाँ अपने यहाँ ठिकाना दे दा। तो जो किन्नर समाज के लोग थे तो थोड़ा सा दया आ गई, सोचे कि महिला है, आज का जमाना बड़ा खराब है, ये कहाँ बेचारी जाएगी, काफी रात हो चुकी है, इधर उधर भटकेगी, मालूम ना इसके साथ कौन कैसा व्यवहार करेगा। अरे ठीक है, तुम रह सकती हो, कोई बात नहीं है, अरे कहीं जाओगी, काम धंधा ढूंढोगी, कहीं काम करोगी, उससे अच्छा है कि हम लोगों के साथ में ही रह जाओ, तुम्हारा बच्चा भी सही सलामत रहेगा, हम लोग एडमिशन करवा देंगे, तुम्हारा बच्चा भी पढ़े लिखेगा और तुम हम लोगों के साथ में रह करके नाचना गाना शुरू कर दो, पैसा भी मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा। केहू का विचार बदल गल वंदना कहे, सुंदर रहबे कही, सोचलस कि यार वार काम धंधा कैले से ठीक है, बाकी नहा उनके सथमा रह लई तो बढ़िया से अपन नाचित गाई, बढ़िया रुपया कमाई, हमरे बेटवा का भी पालन पोषण हो जाओ। अब बाबू वही हिजड़ा लोगन के अब वही किन्नर समाज में भर्ती हो गई, नाचे गावे लगल, बड़ी सुंदर रहल, किन्नर समाज के लोग नाम वंदना से बदल के बाबू बिजली रानी रख दल, जहाँ कहीं बड्डे हो, चाहे केहू के घरे लड़का पैदा भय रहला, चाहे केहू के शादी ब्याह कोनो शुभ कार्य रहला, तो किन्नर लोग वहाँ पहुँचे ले, आशीर्वाद दे ले, नाचे ले, गावे ले, ये किन्नर समाज के लोगन का रीत रिवाज बा, अब बढ़िया रुपया पैसा धन भी पा जल। अब एक दिन का बात बात का बा मास्टर साहब, It's 9 o'clock, time to explore new tech.
अथी के घुघरुआ जब नाचली मोहनिया भैया नचा दे हीरा लाल राहुल के लेके गईलन पढ़ाई लिखाई के पड़का सेठ बना दलन शादी कैसे भइल हीरा लाल राहुल के लेके गईलन पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा ठेकेदार बना दलन। अब राहुल का बियाह करत हुआ और जब बाबू बारात लेके पहुंचले हीरा लाल सेठ शमियाना में बारात बैठल बा। अच्छा वो बारात में नाच के कर गईल बा क्षेत्र का मशहूर नाच बिजली बाई बड़ी सुंदर बड़ा बढ़िया नाचैली। आए भैया बिजली बाई नाचत यही रुपया का बौछार होत बा। सुबह भई शादी हो गल जब सुबेरे का विदाई का नंबर आयल तो विदाई वक्त बिजली रानी का पूरा टोली पहुंच गई लोई मड़वा में कलसे सरकार। अब अमान का विदाई कर अमान चलवे आ जब नर्तकी का विदाई होखे लगल बाबू तब का भेल मास्टर साहब अरे भाईली विदाई बोले कि तो भाई गईली ना तो राहुल एक बार सोचे लगल उनके मन में कुछ चले लगल कि एक बार नर्तकी से मैं कुछ सवाल ही कर लेता हूँ कुछ मुझे लगता है कि चेहरा जाना पहचाना लग रहा है मुझे राहुल दुल्हा के वेशभूषा में हो सवाल करे कि मैडम आपकी नाच तो बड़ी मस्त थी सारे बराती मस्त हो गए लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके मांग में सिंदूर बगल में बेटा कहाँ की रहने वाली है आप शादीशुदा हैं तो फिर आपका पति कहाँ है नहीं शादीशुदा तो मांग में सिंदूर कहे हैं अगर नहीं शादीशुदा है तो मांग में सिंदूर किस लिए तो रोई के बाबू सारी बतिया वंदना रोई के भैया हो जो बिजली बाई है वो तो वंदने रही ना अब रोई के बतावे लगली अपन पीतल सारी बार कि पति हमार बियाह कइले हम दूसर उनकर पत्नी रहली समझ ना पड़ी लोगन के बात में आके अपने सौतेला बेटा के मार के घर से भगा दली अइले हमार पति मुंबई से बेटा के जब ना देखलन तो वही दिने अपने घर द्वार के त्याग धर विपत के बोझा कपारे पयाल गेल एक रोटी के मोहाल हो गईली आईली कुछ काम ढूंढे बदे यही टोली में भर्ती हो गईली अब यही से हमार जीविका चलेला सारे बराती इकट्ठा हो जाते हैं और जब सारे बराती इकट्ठा हो गईले मास्टर साहब तब गजब हो गए अच्छा गजब का भेल यहावर कन्या पक्ष घरे दिवस चंद्रमाला चारी शुभ नर्तकी के देखला आखिया विशाल भैया आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही है बढ़िया चल रहा है भाई दो लड़के और लगा दिए मैं तो कह रहा हूँ तुम भी खोल लो करना क्या होगा कोई YouTube वीडियो है क्या अरे YouTube पे टाइम वेस्ट करना बंद करो सीखो ऐप डाउनलोड करो सीखो यार संजोग देखा हो कन्या
पक्ष की तरफ से टेंट लगावे बड़े ऊ है चंद्रमा राहुल का पिताजी आई लहला है वो बेचारू भटक भटक के कहीं जमन काम पावे दिन भर काम करे तो शाम के अपन भोजन के व्यवस्था करे टेंट लगल बा भीड़ सारी निकल बा चंद्रमा अगला सोचल की कैसन भीड़ लगल बा सामियाना में तनी चली देख ली जब देखल बिजली भाई अपन बीतल बात बताओ थी आवाक हो जाते चंद्रमा अरे ये तो मेरी वही पत्नी वंदना है नर्तकी का काम कब से करने लगी सोचते 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 चंद्रमा चंद्रमा से बात बर्दाश्त नहीं हुई अपनी बात को चंद्रमा उस भरी महफिल में रख देते हैं तुम बिजली रानी नर्तकी हो और पहले का नाम क्या तुम्हारा वंदना है ए मेरा बेटा राहुल और ए मेरा बेटा रोहित क्योंकि विश्वास है ना होत पा अरे एक टेंट लगावे वाले आम इंसान का बेटा इतना बड़ा सेठ कैसे हो सकेला क्यों के विश्वास ना होत पा लेकिन ए बाबू राहुल बहुत बड़ा सेठ हुआ लेकिन दिल में जगह वो पिता वाली अबहिन भी बा जा करके बाबू राहुल अपने पिता के गले से गले मिलाकर लिपट के रोने लगते हैं पैर को छूते पिताजी मुझे माफ कर दीजिए मैं आपके वियोग में आपको खोजने के लिए घर से निकला था आप तो नहीं मिले पिताजी लेकिन पिता के रूप में हमें इशारा करते हैं हीरालाल सेठ जी के तरफ कि मेरे ए पिताजी मिल गए आज मेरे इसी पिता की देन है कि पिताजी मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तब तक चंद्रमा बाबू बिजली बाई नर्तकी मतलब वो वंदना के चेहरा के तरफ देख के बड़ी ऊंची बात कहत हो भैया का कहन राहुल बेटा वाके हमारे जनल मुदैया दुल्हन अब दुल्हन क्या उस नर्तकी बिजली बाई से कहते हैं कि क्या मेरे राहुल बेटा को तूने दुश्मन बना करके घर से भगा दिया था मेरा बेटा कितना भटका कितने दिन तक मुझे खोजा मैं तो नहीं मिला लेकिन पिता के रूप में भगवान ने एक दूसरा पिता मेरे बेटे को दे दिए मैं धन्यवाद उस भगवान को देता हूँ धन्यवाद इस हीरा लाल सेठ को देता हूँ जो मेरे बेटे को अपना बेटा समझ करके पाल पोस करके एक बहुत बड़ा ठेकेदार बना दिए लेकिन तुम माँ की ममता मेरे बेटे को नहीं दे पाई जो कि तुमसे मैं बहुत रिक्वेस्ट किया था कि दुनिया का धन दौलत सब कुछ मेरा बेटा ही है मैं अगर साथ अपनी पहली पत्नी का बात मान गया होता तुमसे शादी नहीं करता तो शायद मेरे बेटे को इतना भटकना नहीं पड़ता बाबू राहुल बगल में खड़ा अपने पिता के आंख के आंसू के पूछलन कल पिताजी देखिए जो होना था हो गया क्या कर सकते हो समय वापस नहीं आएगी लेकिन चलिए आज मुझे दर्द हो रहा है मेरी माँ मैं भामतारी सौतेली माई है लेकिन आज मेरी माँ नाच गा करके अपने पेट का पालन कर रही है अपने बच्चे को जिला रही है सुनिए पिताजी आज के दिन से मेरी माँ ये नाचना गाना कभी जिंदगी में नहीं करेगी और पिताजी आप टेंट का काम कर रहे हैं किसी की नौकरी कर रहे हैं नहीं पिताजी आज से आपको भी कुछ नहीं करना है पारे राहुल ठेकेदार
बेटा अपने पिता चंद्रमा के साथ में लहलन, और जो बिजली बाई मतलब वंदना मैं भा मतारी के लहलन, रोहित अपने भाई के लहलन, लेकर के बाबू हीरा लाल सेठ के घरे गईलन, अब पूरा अधिकार वो परिवार में दिला देलन। आज भी वो परिवार पूरे अपने अपने जगह अपने अपने अधिकार से जियत खात लोग बटन। लेकिन बिरहा के सुने वाले भैया बाबू, आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन जरूर करबे हो भैया, मालिक केहू का जोड़ा फोड़ सकल बाबू दुनिया में, लेकिन दूसरी शादी करे से पहले एक बार आप लोग अपने कलेजा पे हाथ रख के अपने दिल से पूछ करके ओकरे बाद ही आप लोग शादी करिएगा, क्योंकि आपकी भी जिंदगी है, शादी करना कोई गुनाह नहीं है, बुरा नहीं है। हाँ, आपका बच्चा है तो चाहे वो पिता हो सौतेला, चाहे वो माँ हो सौतेली, सौतेला व्यवहार तो सौतेला ही रहेगा। लेकिन सौतेला माई बाबू से भी हाथ जोड़ती है, कहबे कि इस सौतेला व्यवहार करके आप लोग कलंकित समाज को मत करिए। किसी का भी बेटा हो, अपने बेटा जैसे उसका मान सम्मान करिए। किसी का भी बेटा हो चाहे बेटी हो, अपने बेटा जैसा मान सम्मान करिए। वैसे हर आदमी एक समान नहीं हो सकते। हमारे बिरहा का आखिरी लाइन बा मास्टर साहब, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुड़कारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी, इंडिया का डिफेंस।